नमस्कार, आप सबका टारगेट वी तालुक में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, टीजीटी पीजीटी कला विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। पिछले बैच में जो आपका सपोर्ट मिला था उससे मैं बहुत प्रोत्साहित हूं। आप जितना लाभान्वित हुए थे, आपने मुझे जो बताया था उसके बिहाफ मैं ये कह सकता हूं कि उसकी सफलता के बाद टीजीटी पीजीटी कला का एक नया बैच लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, सफलता सुनिश्चित करने का इससे बड़ा सुअवसर नहीं हो सकता कि जब आपके पास इतना समय है जिसमें आप एक बार फिर से अपने सिलेबस को पढ़ सकें, उसका बेहतरीन रिवीजन कर सकें और ढेर सारे प्रश्नों के साथ आप रूबरू हो सकें। मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि टीजीटी पीजीटी कला विषय आपका अपना सबसे पसंदीदा चहेता विषय बन जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये विश्वास रखिए कि हम पूरे सिलेबस पर न केवल बारीकी से चर्चा करेंगे, क्लास नोट्स के साथ आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बल्कि उस पर प्रॉपरली आपकी परीक्षा से पहले टेस्ट पेपर भी लूंगा। इसलिए दोस्तों, ये बहुत सुनहरा अवसर है आपकी अपनी संस्था टारगेट विद आलोक के साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करने का। आइए हम सब मिलकर सपने को साकार करें। उसमें जो मेरे तरफ से भूमिका होगी उसका 100% देने को मैं तैयार हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि अपने हिस्से का 100% आप दीजिए। दोनों का ये संयोग रंग जरूर लाएगा। आज मैं आपके साथ कला विषय का सामान्य परिचय लेकर उपस्थित हूं। कला विषय का सामान्य परिचय बहुत ही रोचक है और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आज ही के क्लास में आप कला क्या है इसे न केवल शब्दों के माध्यम से सुनेंगे बल्कि अनुभूति भी करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कला का परिचय। दोस्तों, कला का परिचय समझिएगा, कला का परिचय। या कला परिचय, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट। सामान्य तौर पर हम अगर कला को समझना चाहें कि कला क्या है, एक शब्द में, एक लाइन में समझना चाहें कि कला क्या है, क्या है कला, ध्यान दीजिएगा, कला क्या है, एक शब्द में समझना चाहें, एक लाइन में समझना चाहे, तो कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। समझिएगा, क्या है, हमारी कला, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, का माध्यम है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब मानव आदिम युग में था,
जब वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उस समय भी उसकी अपनी कुछ फीलिंग्स थी, अपनी कुछ भावनाएं थी। जब उसने अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करने का कोई माध्यम चुना, कोई भी रास्ता चुना, वह रास्ता जिससे उसे आनंद मिली, आनंद की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई, सौंदर्य बोध हुआ, अपनी भावनाओं की ऐसी अभिव्यक्ति जिससे व्यक्ति को सुखानुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, उसे सौंदर्य की अनुभूति हो, कला वही है। ध्यान से समझिएगा, कला वही है। नौ पाषाण काल और उससे भी पहले मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से नौ पाषाण काल के बीच में कहीं मनुष्य ने पहली बार गुफाओं के भित्तियों पर, शिलाओं पर, पत्थरों से खुरच करके अपने मन के भाव को व्यक्त किया। गुफाओं के शिलाओं पर पत्थरों से खुरच खुरच करके अपने भावनाओं को जो उसने अभिव्यक्त किया वो कला बन गया, उसे चित्रकला कहते हैं। चाहे विंध्यन की गुफाएं हैं, चाहे विंध्यन की गुफाएं हो या भीमबेटका की गुफाएं, नौ पाषाण काल तक ऐसे भारत में ढेरों उदाहरण हम देख सकते हैं जहां मानव ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति पत्थरों पर बखूबी किया है। तो दोस्त, कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, और यह वह माध्यम है जैसे जैसे व्यक्ति की भावनाएं आकार लेती चली गईं, जैसे जैसे उसकी भावनाओं का विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसने अपनी भावनाओं को कोई ना कोई माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से व्यक्त करने का जो प्रयास किया वो कला बनती चली गई। तो कला के लिए सबसे सटीक लाइन अगर हम कहें, ढेर सारे विद्वानों की परिभाषाओं के इतर अगर हम बात करें, तो दोस्त, कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो आनंद देती है, जो सौंदर्य प्रदान करती है, जो सुख प्रदान करती है। अब कला एक कृतित्व है, कृतित्व, कला व्यक्ति का कृतित्व है। उसके प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी प्रकारों में उसकी भावना अंतर्निहित होती है। इसीलिए माध्यम चाहे जो हो, अपनी भावना को व्यक्त करने का जब वो स्वरूप ग्रहण करता है, कोई आकार ग्रहण करता है, तब वो कला बन जाता है। वह आकार जिससे हमें सुख की, आनंद की, जिससे हमें सौंदर्य की प्राप्ति हो, सुखानुभूति हो, आनंदानुभूति हो, कला का अगर, ये तो मैंने कला की एक सामान्य सी समझ आप में देने की कोशिश की है। अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें, क्लासिकल वे, आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला, ध्यान दीजिएगा, हम इसे अगले पेज पर देखें, तो कला संस्कृत
भाषा का शब्द है। कला क्या है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका तात्पर्य है मनुष्य की रचना। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ही है मनुष्य की रचना। कला का तात्पर्य ही है मनुष्य की रचना। हमारी क्रिएटिविटी के बाहर कला नहीं है। हम जो क्रिएट करते हैं ना, वही कला है। तो कला का सही अर्थों में तात्पर्य क्या है? मनुष्य की रचना। कला मनुष्य के जीवन में आनंद प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? मनुष्य के जीवन में आनंद प्रदान करती है, समझते रहिएगा। लेकिन मुद्दा है कैसी रचना, मनुष्य की रचना। तो फिर यही सवाल उठेगा, अगर हम कहते हैं कला संस्कृत भाषा का शब्द है और कला का तात्पर्य है मनुष्य की रचना, तो तुरंत प्रश्न उठेगा कि भाई कैसी रचना। आप इसका उत्तर देंगे, तुरंत यहां पर आप उत्तर देंगे, ऐसी रचना जिससे आनंद की प्राप्ति हो। कैसी रचना? जिससे आनंद की क्या हो? प्राप्ति हो। ऐसी रचना जिससे आनंद की प्राप्ति हो, कला है। कला संस्कृत के कल या कत धातु से बना है। देखिए, कुछ विद्वान मानते हैं कि संस्कृत के कत धातु से बना है। आइए देखते हैं, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कला संस्कृत के कत धातु से बना है। किससे बना है? कत धातु से बना है। कत। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं नहीं कला संस्कृत के कल धातु से बना है। समझते ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्वान यह मानते हैं कि कला संस्कृत के कत धातु से बना है, उनका मानना है कि कला, यहां कत का तात्पर्य क्या है? कत का तात्पर्य है सौंदर्य। ध्यान से समझिएगा, जो विद्वान मानते हैं कला कत धातु से बना है, वो कहते हैं कत का तात्पर्य क्या है? सौंदर्य है। और क्या तात्पर्य है? कोमल। और क्या तात्पर्य है? सुख प्रदान करना। सुख प्रदान करना। ध्यान से समझते रहिएगा, जो विद्वान यह मानते हैं कि कला संस्कृत के कत से बना है, कत या कत धातु से बना है, तो उनके हिसाब से कत का क्या तात्पर्य है संस्कृत में? सौंदर्य, कोमल या सुख प्रदान करना। वहीं कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि कला संस्कृत के, ध्यान दीजिएगा, कल धातु से बना है। कल धातु, कल धातु से बना है। यदि कला संस्कृत के कल धातु से बना है, तो फिर मुद्दा यह है कि फिर इसका क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल का तात्पर्य है प्रेरित करना। ध्यान दीजिएगा, क्या तात्पर्य है? प्रेरित करना। इसका तात्पर्य है प्रेरित करना। कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रेरित करना। किसके लिए प्रेरित करना?
सुख के लिए, आनंद के लिए, सौंदर्य के लिए, सुख के लिए प्रेरित करना, आनंद के लिए प्रेरित करना, सौंदर्य के लिए प्रेरित करना, अन्य उदाहरण भी है, विद्वानों में अन्य मत भी हैं, लेकिन सबसे चर्चित यह दो मत है कि कला संस्कृत के क्या है, कत धातु से बना है या कल धातु से बना है, और दोनों का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, मैंने आपके सामने रखा है। तो दोस्तों, कला जो हमारी भावनाओं के अभिव्यक्ति का माध्यम है, कला जिसका तात्पर्य ही है मनुष्य की रचना। मनुष्य कोई काम क्यों करता है, हम मानव अपनी भावना के अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, मनुष्य कोई काम जब करता है तो निसंदेह वह सुख चाहता है, उसके पीछे उसकी इच्छा है, सुख, सौंदर्य, आनंद, और जिस रूप में वह इसे प्राप्त करना चाहता है, जो कृतित्व है उसका, जो जिस कृतित्व का वह निर्माण करता है, वही तो कला है। इसलिए यह बात बहुत हद तक ध्यान रखिएगा कि कला की चाहे जितनी भी परिभाषाएं आप याद कर लीजिए, सही अर्थों में कला कुछ नहीं बल्कि हमारी, आपकी, हम सब की सौंदर्य, हम सब के भावनाओं की अभिव्यक्ति है, सौंदर्य को, आनंद को, सुख को प्राप्त करने का एक माध्यम है कला। दोस्तों, अंग्रेजी में कला को आर्ट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में कला को आर्ट कहते हैं, आर्ट। एआरटी, आर्ट कहते हैं। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि आर्ट, कला के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है, आर्ट। अब मुद्दा है कि ये आर्ट शब्द आया कहां से, और इस आर्ट का सही मामले में, मायने में, मतलब क्या है, आया कहां से और इसका मतलब क्या है। आर्ट लैटिन शब्द, ध्यान दीजिए, यह आर्ट लैटिन शब्द, आर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आर्ट लैटिन शब्द, आर्टम, समझते रहिएगा। इसके संदर्भ में विद्वानों का अलग अलग मत है, आर्टम, आर्स, आर्टेम, आर्स आदि शब्दों से निकला है। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कला को आर्ट कहते हैं, और यह जो आर्ट शब्द है वह लैटिन शब्द आर्टेम, समझते रहिएगा, आर्टम, आर्टेम या आर्स से निकला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या अर्थ है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है पैदा करना, पैदा करना। आर्टम, आर्टम या आर्श, इसका तात्पर्य क्या है, पैदा करना, अर्थात कृत्रिम निर्माण। क्या भाई, कृत्रिम निर्माण, पैदा करना, अर्थात दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब है कृत्रिम निर्माण। इट इज नॉट नेचुरल, हम आप मानव जो कृत्रिम तरीके से निर्मित करता है, निर्माण करता है, वो कला है,
हम बोलते हैं हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। जब हम प्रकृति को देखते हैं जिसको हमने नहीं बनाया, तब हम ऐसी भावना के व्यक्ति करते हैं। हम प्रकृति को देखते हैं तो कहते हैं इस तरह की भावना, हमने पक्षियों को नहीं बनाया, हमने पेड़ पौधों को नहीं बनाया, हमने दिन और रात को होते हुए नहीं बनाया, हमने ढेर सारे रंगों को, प्रकृति के रंगों को नहीं बनाया। फिर प्रश्न आता है ये कौन चित्रकार है। लेकिन जो हम बनाए, जिसके सृजनकार हम हैं, जो हमारा कृत्रिम निर्माण है, वो हमारी कला है। जो हमारा कृत्रिम निर्माण है वो हमारी कला है। जिस तरह से प्रकृति के ढेर सारे अनुपम सौंदर्य को देखकर हम आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, सुखानुभूति भी होती है, वैसे ही अपने सृजन को, अपने निर्माण कार्य को पैदा करना, उसको पैदा करके भी हम वैसे ही सुख की, वैसे ही आनंद की, वैसे ही सौंदर्य की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, सही अर्थों में कला हमारी आपकी मानव की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। चाहे आप उसे कला कहिए, चाहे आर्ट कहिए, चाहे उसे आप आर्टम कहिए, अर्थ भावार्थ बड़े करीब हैं सबके, और सब में एक बात बहुत कॉमन है, वो है कृत्रिम निर्माण की, सृजन की, हमारे आपके द्वारा पैदा किए जाने की, शिल्प की, इन सब का समग्र योग जो हमें आनंद देता है, हमें सुख देता है, वही तो कला है। हम आनंद के साथ जब सुख की बात करते हैं तो दोनों के बीच में एक अंतर है। आनंद वो है जिसकी हम अभिव्यक्ति कर नहीं सकते, जिसमें एक रहस्य भी है, जिसमें अंतःकरण की चेतना को जागृत करने, उसे सुकून देने का मंतव्य भी छिपा है। और जब हम सुख कहते हैं तो उसमें भौतिक तत्व भी छिपा है, उसका तात्पर्य ही भौतिकता, बाह्य जगत में सुख, जैसे एक भवन में रहने का सुख स्थापत्य कला है, भवन में रहने का सुख एक स्थापत्य कला है, लेकिन एक सुंदर चित्र, अनुपम अद्वितीय सुंदर चित्र हमारे मन मस्तिष्क को हमारे हृदय की अंतःकरण को जागृत कर सकता है। सौंदर्य में यह गुण होता है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक कालीन मानव जब वह भौतिकता से बहुत परे था, दूर था, तब भी उसके अंदर हम भावनाओं और उसके अभिव्यक्ति का एक प्रयास देख सकते हैं। और यहां से जन्म होता है कला के विकास का। तो आइए हम अभी जो कुछ सामान्य बातें यहां से आपको सामान्य परिचय में कला क्या है से संबंधित चर्चा कर रहे थे। अब तक हम कला क्या है से संबंधित सामान्य चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें जिसको हमने कई पेजेस के माध्यम के आपके सामने व्यक्त किया। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके विकास यात्रा के बारे में। तो आइए देखते हैं कला की विकास यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कला की विकास यात्रा। दोस्तों विकास, कला का विकास, कला का विकास कला का विकास मानव विकास के साथ जुड़ा है। कला का विकास मानव विकास, ध्यान दीजिएगा, के साथ सीधे तौर पर जुड़ा है। सीधे तौर पर जुड़ा है कला का विकास मानव विकास के साथ सीधे तौर पर जुड़ा है। कहने का क्या अभिप्राय? जैसे जैसे मानव अपना विकास करता चला गया, अर्थात प्रागैतिहासिक मानव जब जंगलों में था, पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जब वो जंगलों से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, नवपाषाण काल में जब वो सामुदायिक जीवन की शुरुआत पहली बार किया, इस दौरान ही हम देख सकते हैं कि मानव की कला की अभिव्यक्ति कई रूपों में दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको देखते हैं, मानव द्वारा अगर ढेर सारे पाषाण उपकरण बनाए गए, उसके द्वारा बनाए गए पाषाण उपकरण, उसके द्वारा बनाए गए गर्तावास, उसके द्वारा बनाए गए ढेर सारे भित्ति चित्र, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा बनाए गए, समझिए, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र, ये मानव के कला के प्रारंभिक हस्ताक्षर हैं। उसने अपने जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए जैसे जैसे पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया, और पहले भोथे बड़े पाषाण उपकरण बनाए, और धीरे धीरे वह परिष्कृत होते होते सूक्ष्म पाषाण उपकरण तक की यात्रा तय करता है, वो भी पाषाण काल के दौरान। यह मानव की प्रारंभिक कला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, और इसे हम उपयोगी कला के अंतर्गत रखेंगे। यह विकास यात्रा में, कला की विकास यात्रा में मानव दुख के उपयोगी कला का सबसे प्राचीन उदाहरण है चापर, चापिंग, हैंड एक्स, यूरिन, बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसने मनुष्य के जीवन को सरल सहज बनाया, उसे सुख प्रदान किया। इसलिए वह उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। गर्तावास भी एक उपयोगी कला है। मनुष्य ने अपना कृत्रिम, मनुष्य द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम निर्माण है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कृत्रिम निर्माण की बात, मनुष्य का यह एक कृत्रिम निर्माण है, आवास निर्माण के क्षेत्र में, स्थापत्य निर्माण के क्षेत्र में, कि उसने गर्तावास बनाया, यह उसकी उपयोगी कला है। आगे चलकर उसने ढेर सारे उपयोगी कला बनाने के साथ जब भित्ति चित्र बनाए विंध्यन की पहाड़ियों में, भीमबेटका की गुफाओं में, ऐसे बहुत से उदाहरण पड़े हैं, तब ये
कला का एक विशेष प्रकार, कला का एक विशिष्ट पक्ष का जन्म हुआ जिसे हम अब ललित कला कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चित्रकला ललित कला के अंतर्गत आता है, लेकिन ठीक है कि समय के साथ इसका परिष्कार हुआ, किंतु प्रारंभ में मानव की अभिव्यक्ति का, उसके अभिव्यक्ति का ऐसा पक्ष जो पाषाण को भी खुरेद करके अपनी विचारों को व्यक्त कर देता है, ऐसी कला, उसकी भित्ति चित्र हम भारत में बहुसंख्यक पैमाने पर प्राप्त करते हैं, और यह आज ललित कला का उदाहरण भी है। चित्रकला ललित कला का उदाहरण है। तो दोस्तों, विकास यात्रा तो ऐसे शुरू हुई मनुष्य की। नवपाषाण काल तक आते आते उसके उपयोगी कला तथा ललित कला, हालांकि बाद भारत में ललित कला का नाम नहीं दिया गया था, यूरोप से इस तरह की विभाजन की शुरुआत हुई थी, किंतु जो भी हो, अब कला के दो प्रकार, ललित कला उपयोगी कला माना जाता है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की ललित कला है, इसका हम थोड़ी देर बाद वर्गीकरण करेंगे। फिलहाल जो मूल मुद्दा है वो ये है कि पाषाण काल में ही मनुष्य ने अपने कला के विविध प्रतिमानों को स्थापित कर दिया। अब इसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता, जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, वास्तुकला के दृष्टिकोण से अद्वितीय है। मूर्तिकला के दृष्टिकोण से अद्वितीय है अपने युग के अनुसार, जहां पाषाण की मूर्तियां, जहां धातु की मूर्तियां, जहां मृंड मूर्तियां, तीनों प्रकार की मूर्तियां पाई जाती हैं, अर्थात शिल्प विविधीकरण और शिल्प विशेषीकरण दोनों का उदाहरण हमें हड़प्पा सभ्यता मिलता है। शिल्प विविधीकरण तथा शिल्प विशेषीकरण दोनों का उदाहरण मिलता है, अर्थात मूर्तिकला का उदाहरण हमें स्पष्ट तौर पर हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। स्थापत्य कला का उदाहरण हमें स्पष्ट तौर पर हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। बहुमंजिला भवन, वो चौड़ी चौड़ी सड़कें, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, पुरोहित आवास, मुहरों का निर्माण, और साथ ही साथ मुहरों पर, मृदभांडों पर चित्र का निर्माण, लिपियों का पाया जाना, ये सब के सब भारतीय कला के विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर है, जिसे आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये भारतीय कला के विकास के वे प्रतिमान हैं जो बताते हैं कि आज से हजारों हजार वर्ष पहले हम कला के प्रति कितने जागरूक और समुन्नत थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में विशाल गोदीवाड़े का निर्माण हो, या हड़प्पा सभ्यता में उपयोगी कला के अन्य प्रतिमान हो, यह भारत तथा भारतीयों का कला, जिसे जिसमें आज ललित कला के उदाहरण भी शामिल है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक ऐसी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, कांस की मूर्ति, जिसे नर्तकी की मूर्ति इतिहासकार कहते हैं। कलाकारों में, कला के विद्वानों में उस नर्तकी की मूर्ति से नृत्य और संगीत का आभास मिलता है। तो मुमकिन है कि ललित कला का 5वां प्रकार अगर लिपि पढ़ ली जाती तो हम ये कहते कि ललित कला के 5 प्रकार हड़प्पा सभ्यता में हैं, लेकिन आज हम ये नहीं कह पाते क्योंकि लिपि अब तक अपठनीय है। जो भी हो,
हड़प्पा सभ्यता में हमें मूर्तिकला का भी उदाहरण मिला है, हमें वास्तुकला का उदाहरण मिला है, हमें वहां से चित्रकला के उदाहरण मिले हैं, हमें वहां नृत्य संगीत का आभास होता है। तो लिपियों के पाए जाने से यह भी मुमकिन है कि साहित्य भी हो। यानी आज से लगभग 4500 वर्ष पहले हम कला के इस ललित कला के पांचों प्रतिमानों से गुजर रहे थे तथा ढेर सारी उपयोगी कला के उदाहरण, ढेर सारे उपयोगी कला के उदाहरण हमें उस समय दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम विकास यात्रा यात्रा को प्रागैतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल से आगे यदि हम उसे ऐतिहासिक काल में ले आए, ऐतिहासिक काल की तरफ चलें, तो क्या ज्ञात होता है? भारत का प्राचीनतम साहित्यिक वांग्मय, भारत का प्राचीनतम साहित्यिक वांग्मय वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और कला शब्द पहली बार हमें ऋग्वेद में ही प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कला शब्द पहली बार ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कई अर्थों में, कई संदर्भों में हमें ऋग्वैदिक काल में कला शब्द प्राप्त होता है। भारत का प्राचीनतम साहित्यिक वांग्मय कि ये बहुत बड़ी विशेषता है कि इसने लगभग जीवन के हर पक्ष को समेटने की कोशिश की है, जीवन के हर पक्ष को समेटने की कोशिश की है। ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुद्दा यह है कि कला को क्या जिस अर्थ में आज हम ग्रहण करते हैं इसी अर्थ में पहले भी ग्रहण किया जाता था? क्या मनुष्य के भावनाओं की अभिव्यक्ति या मनुष्य के कृत्रिम निर्माण जिससे उसे आनंद की, सुख की, सौंदर्य की प्राप्ति हो, क्या उसे उस समय भी कला ही कहते थे? यह सोचनीय, चिंतनीय, विचारणीय विषय है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है समझिएगा। जिस अर्थ में कला को आज हम ग्रहण करते हैं, प्राचीन काल में उसी अर्थ में कला को ग्रहण नहीं किया जाता था। उसके लिए शब्द था शिल्प। ध्यान समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में कला को शिल्प कहते थे। शिल्प प्राचीन काल में, प्राचीन काल में भी प्रारंभ में, प्राचीन काल में हमने कहा तो इसका मतलब
प्रारंभ में, अर्लियर, शुरुआत में कला को शिल्प से अभिव्यक्त किया जाता था, शिल्प शब्द से। क्या मैंने कहा? कला को शिल्प शब्द से, शिल्प शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है। कला के लिए जो शब्द आया है वो शिल्प शब्द आया है। उदाहरण है इसके, कुछ उदाहरण है, जैसे पाणिनी, महान व्याकरणाचार्य पाणिनी। पाणिनी ने अष्टाध्यायी की रचना की। और अष्टाध्यायी में इन्होंने कला शब्द का प्रयोग नहीं किया, शिल्प शब्द का प्रयोग किया। अर्थात कला के लिए, जिसे आज कला कहते हैं, उसके लिए उन्होंने शिल्प शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? शिल्प शब्द का। समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, शिल्प शब्द का प्रयोग किया अष्टाध्यायी ने। पहली बार कला का यथार्थवादी प्रयोग, हम समझिएगा, पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार कला का यथार्थवादी प्रयोग, कला शब्द समझते रहिएगा, यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने किया। किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि ने किया। दोस्तों, भरत मुनि ने पहली सदी ईस्वी में आकर के एक अद्वितीय पुस्तक लिखी, जिसका भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है, नाट्य शास्त्र। कला की, विशुद्ध रूप से कला पर आधारित यह प्राचीनतम पुस्तक है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कला के संदर्भ में विशेष रूप से व्याख्या किया, विशेष बातें की। और क्या कहा उन्होंने? जो कहा वह अद्वितीय है। उन्होंने कहा, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प, ऐसा कोई विधा नहीं, ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विधा या विद्या नहीं जो कला ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा भरत मुनि ने? भरत मुनि ने क्या कहा? ऐसा कोई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को सबको याद रखना होगा, ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प या विद्या या विधा विद्या नहीं ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प या विद्या नहीं जो कला न हो, जो कला न हो। अब देखिए, भरत मुनि के इस बात से आप कला के फलक का विस्तार देखिए कितना बढ़ जाता है। ऐसा कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई विद्या नहीं है उनके अनुसार जो कला न हो। ठीक है कि अलग अलग विद्वानों का इस पर अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन उनका मत बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्पष्ट तौर पर इस बात को कहता है कि ऐसा कोई विधा ही नहीं जो कला न हो। बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसा कोई विद्या ही नहीं
शिल्पी नहीं जो कला न हो। इसको उन्होंने क्या कहा है, न तज्ज ज्ञानम, बहुत इंपॉर्टेंट है, न ज्ञानम, न बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको सब लोगों को याद कर लेना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, न तज्ज ज्ञानम न तज्ज शिल्पम, कोई ज्ञान नहीं कोई शिल्प नहीं, न सा विद्या न सा कला, न सा विद्या न सा कला। ऊपर जो मैंने लिखा उसका ये है संस्कृत, न तज्ज ज्ञानम न तज्ज शिल्पम न सा विद्या न सा कला। भरत मुनि ने इस तरह से इसको व्याख्या किया, ऐसे इसको वर्णन करने की कोशिश किया। और इसके बाद सही अर्थों में यहीं से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही कला को व्यवस्थित रूप से अध्ययन का आधार मिला, अन्यथा इसके पहले सिर्फ कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग ही किया जाता था। यहां तक कि पाणिनि, अभी मैंने जिनका नाम लिया, पाणिनि ने शिल्प शब्द का प्रयोग कला के लिए किया ही किया था, कौशीतकी ब्राह्मण में, किसमें, कौशीतकी ब्राह्मण में भी एक विशेष बात कही गई, कौशीतकी ब्राह्मण में तो संगीत को भी शिल्प कहा गया है, याद करिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशीतकी ब्राह्मण में संगीत को भी शिल्प कहा गया है, बहुत बड़ी बात है, संगीत क्या है वो भी शिल्प है। इस तरीके से दोस्तों कला का प्राचीन भारत में एक विकास यात्रा आप देखेंगे जो बहुत लंबे समय तक चलती आई, आज भी चल रही है। अगर संक्षेप में हम देखें कला के प्रकार क्या है, परिभाषाओं को, विद्वानों की परिभाषाओं को देखने से पहले हम अगर कला के प्रकार की चर्चा करें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आइए, कला के प्रकार देखते हैं। कला के प्रकार, सामान्य तौर पर कला का दो प्रकार स्वीकार किया गया है, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला वो कला है जिसका उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट गोल, ललित कला का अल्टीमेट गोल क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, आत्मा का विकास, टू एक्सटेंड द सोल। ललित कला का अंतिम जो उद्देश्य है वो है आत्मा का विकास। और ललित कला के अंतर्गत पांच कलाओं को रखा गया है, वास्तुकला जिसे पहले ललित कला में नहीं रखा गया था लेकिन बाद में वास्तुकला को भी ललित कला में रखा गया, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, ललित कला के अलावा, वास्तुकला के अलावा मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और काव्य, काव्य कला, काव्य साहित्य। इस पांच विशिष्ट विधा को ललित कला के अंतर्गत रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ललित कला के अंतर्गत रखा गया है।
अब इन पांचों की अपनी एक विशिष्टता है, बहुत बड़ी विशिष्टता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो इनमें से उपयोगी कला का उदाहरण भी निकल कर आएगा और इनमें से ऐसा भी होगा जो जिसका मुख्य उद्देश्य उपयोगिता के स्थान पर अपने हुनर को, अपने विचारों को केवल अभिव्यक्त करना हो सकता है। जब पंडित भीमसेन जोशी गाते थे तो उनका उद्देश्य उपयोगी कला का निर्माण नहीं था, उनका उद्देश्य था ललित कला का निर्माण। वो कंठ से नहीं, नाद की जागृति से ध्वनि कंठ फूटते थे, ध्वनि निकलती थी, वो ललित कला है जिसका अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट उद्देश्य आत्मा का विकास है। इसकी चर्चा हम आने वाले क्लास में बहुत डिटेल करेंगे। उसी तरह दोस्तों उपयोगी कला, उपयोगी कला वो है जो जीवन को सुख प्रदान करे, सरल सहज बनाए, चाहे वस्त्रों का निर्माण हो, आभूषण का निर्माण हो, हमारे रहने के लिए भवनों का निर्माण हो, चाहे मुद्रा का निर्माण हो, वो सभी चीजें उपयोगी कला के उदाहरण है। ये मार्कर, इलेक्ट्रॉनिक मार्कर भी एक उपयोगी कला का उदाहरण है। अगर हम कला के प्रकार का अध्ययन भारतीय साहित्य के आधार पर करें तो हम क्या पाएंगे, उसको समझने की कोशिश करिए। यदि हम कला का अध्ययन भारतीय साहित्य के आधार पर देखें तो बहुत क्लियर है, वात्स्यायन ने कामसूत्र में, ध्यान दीजिएगा, वात्स्यायन ने कामसूत्र, कामसूत्र में क्या कहा, कामसूत्र में उन्होंने 64 कला की, कला के 64 प्रकार बताए हैं, कला के 64 प्रकार बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, उन्होंने कला के 64 प्रकार बताए हैं, 64 टाइप्स ऑफ आर्ट। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, शुक्र नीति साथ, ध्यान समझिएगा, शुक्र नीति सार, शुक्र नीति सार में भी कला के 64 प्रकार ही बताए गए हैं। कुछ जैन साहित्य में तो इसकी संख्या और भी ज्यादा है। ऐसे ही कश्मीर के एक साहित्यकार, एक बड़े विद्वान क्षेमेंद्र, ध्यान दीजिएगा, क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास, कला विलास में भी 64 प्रकार की कला ही बताई है, 64 प्रकार की कला, समझते रहिएगा। और क्षेमेंद्र का बहुत बड़ा एक उदाहरण है इस संदर्भ में, वो कहते हैं कि कला का उद्देश्य, क्षेमेंद्र ने कहा कला विलास में कि कला का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थात पुरुषार्थ की प्राप्ति है। क्या कहा है कला का उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थात पुरुषार्थ की प्राप्ति है, पुरुषार्थ की प्राप्ति। यानी कला में, कला के माध्यम से हम धर्म को भी प्राप्त करते हैं, अर्थ को प्राप्त करते हैं, काम को प्राप्त करते हैं, और दोस्त हम उसके माध्यम से मोक्ष भी प्राप्त करते हैं, अंतिम उद्देश्य आत्मा का विकास, एक्सटेंड ऑफ सोल, हम मोक्ष भी प्राप्त करते हैं बहुत स्पष्ट तौर पर। वो क्या कहते हैं छेमिंद्र अपने कला विलास में, लिखते हैं कि एक सुनार 64 तरीके से
सोने को चोरी, सोने की चोरी कर लेता है वो उसकी कला है। 64 तरीके से सुनार सोने की चोरी कर सकता है। सुनार एक वेश्या 64 तरीके से अपने रूप लावण्य सौंदर्य से कामुकता पैदा कर आपको आकर्षित करती है, आपको जीतती है, आपके चित्त को चुरा लेती है। अर्थात काम की भी 64 कलाएं हैं, धर्म अर्थ काम, काम कला पुरुषार्थ का एक हिस्सा है। इसको अगर बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचे ना तो बहुत बड़ी चीज है। काम का ज्ञान न होना सांसारिक जीवन में खटास ला सकता है। काम भी एक पुरुषार्थ है और भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में उसके अनेकों उदाहरण मिलेंगे। चित्रकला के माध्यम से भी मिलेगा, मूर्तिकला के माध्यम से भी मिलेगा। इसलिए एक वेश्या को 64 तरह की काम कला आती है, यह कहते क्षेमेंद्र। वैसे वो कहते हैं कि एक लेखक भी, एक राइटर, एक लेखक अपने लेखनी के माध्यम से, जब वो लिखता है तो अपने लेखनी के माध्यम से 16 तरीकों से पाठक को, 16 तरीके से पाठक को वो चाहे तो क्या बना सकता है, वो पाठक को जीत सकता है, उसे उलझा सकता है 16 तरीके से। ये लेखक की कला है कि तुम नहीं रहोगे, तुम लेखक के लेखनी को पढ़ने के बाद तुम वो हो जाओगे जो तुम नहीं थे। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी विचारधारा बदल जाएगी। दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको कला का सामान्य परिचय बताया, उसकी विकास यात्रा पर थोड़ा प्रकाश डाला, उसके प्रकार पर संक्षेप में भी प्रकाश डाला हूं। कल की क्लास में कला के अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।